सो है गाइस, मैं हूं निखिल, आप सभी का फ्रेंड। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ बेसिक डिटेल्स। जी हां गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत ही इजीली क्रिएट कर पाओगे। और गाइस, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप गाइस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक एक्सपर्ट बन सकते हो। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुके अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को जो गाइस क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जो ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस ट्रिक के हेल्प से गाइस आप बहुत ईजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल तरीके से जो गाइस क्रिएट कर पाएंगे। बट इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले आपको जो गाइस दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि आप जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने वाले, वो लेटेस्ट वन होना चाहिए, 2010 से जो गाइस आपका जो लेटेस्ट वन होना चाहिए और अप टू डेटेड होने चाहिए। ओके गाइस, बात दूसरी बात ये कि आप अपने पीसी में जो गाइस इंटरनेट को कनेक्ट रखिए। मैंने इस पीसी में ऑलरेडी जो गाइस इंटरनेट को कनेक्ट रखा है। तो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली अपने पीसी में जो गाइस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो गाइस ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का यूज करूंगा। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली जो भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। बाद इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे एक टेम्पलेट है जो कि मैंने इसमें डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद इधर बात करते हैं, यहाँ पे मेरा जो है आईडी लॉगिन है। तो अगर आपने अभी तक अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लॉगिन नहीं किया तो अभी लॉगिन कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है गाइस हेल्प करने वाली है आगे चल के। अब बात करते हैं कि गाइस अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ के लिए जो गाइस अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। मैं मान लो अपने जॉब के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करना है गाइस, आपको अपने पीसी में जो गाइस इंटरनेट को कनेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आप जो भी काम के लिए अपना डॉक्यूमेंट बनाना है वो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं अपने जॉब के रिज्यूम के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली रिज्यूम सर्च कर लूँगा। ठीक है, रिज्यूम टाइप करने के बाद सिंपली मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते आपके पास थाउजेंड्स ऑफ जो है गाइस टेम्पलेट्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप किसी भी टेम्पलेट को जो गाइस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट को जो है गाइस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ इस टेम्पलेट का यूज़ करूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं डायरेक्टली जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो गाइस ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद गाइस आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का जो गाइस इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो गाइस देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और उसके बाद जो है गाइस आपका रिज्यूम, आपका डॉक्यूमेंट जो है गाइस क्रिएट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है गाइस यहाँ पे बन जाएगा। तो गाइस, अब इसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है सेव कैसे कर सकते हैं। तो सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप सिंपली यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस सेव एज पे क्लिक कीजिए, कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जिस भी फाइल में इसे सेव करना है वहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो है हमारा जो ये टेम्पलेट है, ये डॉक्यूमेंट है, वो सेव हो चुका था। अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका था। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहते एडिट करना तो ऐसे रहने दीजिए और इसे डॉक्यूमेंट से PNG या फिर गाइस इसे डॉक्यूमेंट टू PDF में चेंज कर लीजिए। इसके लिए बहुत सारे जो है साइट्स अवेलेबल है, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आप चाहते उस वीडियो को देखना तो हाई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से गाइस आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।